हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटोपल्स, जनकपुरे, न्यू दिल्ली। एक सीनियर डेंटल सर्जन होने के नाते मैंने रूट कनाल पर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, पर लोगों के क्वेश्चन आते हैं, क्या हम कैपिंग बिना रूट कनाल के करा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कैप जो लगाई जाए या हर ब्रिज जो बनाया जाए कि रूट कनाल करके ही बनाया जाए। मान लीजिए एक कैविटी बहुत छोटी सी है, एक कैविटीज के कैटेगराइजेशन में मैंने कैविटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्लासेस होती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि कैविटी की स्थिति क्या है। सिंगल जैसे वन क्लास वन की बात करें, बिल्कुल सेंटर में छोटी सी कैविटी होती है या ब्लैक डिके होता है और खाना फंसना शुरू हो जाता है, तो उसी लेवल पे हम उसको क्लीन करके फिल कर देते हैं। लेकिन किसी किसी स्थिति में जब कॉर्नर्स टूट जाते हैं लेकिन कैविटी डीप नहीं है, खाना फंस रहा है, इसमें बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको पहले रूट कैनाल करें और उसके बाद फिर उसकी कैपिंग करें। हाँ, ऐसा होता है जब काम करते करते किसी किसी को सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है तो हम उसका रूट कैनाल करके फिर कैप के लिए एडवाइज करते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी होती है, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल पल्पाइटिस, ऐसी स्थिति में हम पहले उसकी टेम्परेरी फिलिंग कर देते हैं, जहां हमें डाउट रहता है कि बाद में पेन हो सकता है। पेशेंट एक छोटी सी कैविटी के साथ आया, कॉर्नर चिप्ड ऑफ है, और उसके बाद हम उसको पहले टेम्परेरी फिलिंग करते हैं, 2 दिन के बाद उसकी परमानेंट रेस्टोरेशन कर दी जाती है ग्लास आइनूमर से, और उसके बाद अगर पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल स्थिति में है और कोई दर्द नहीं है तो उसके ऊपर बिना रूट कैनाल के कैपिंग की जा सकती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर बाई चांस ऐसा करने के बाद कैपिंग की और उसके बाद पेन हो गया तो कैसे कैप को लगे लगे रूट कैनाल किया जा सकता है, वे भी देखें। और जरूरी नहीं है कि हर दांत के अंदर कैपिंग की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक छोटी सी कैविटी है और उसके अंदर हमें जरूरत नहीं है। हाँ, कैविटी की क्लासेस जैसे कॉर्नर चिप ऑफ हो गया या सेंट्रल इंसाइजर्स कभी देखे होंगे आपने, ब्लैक ब्लैक निशान आ जाते हैं साइड से, कॉर्नर से, वहां अधिकतर फिलिंग्स नहीं रुकती हैं। जब फिलिंग नहीं रुकेगी तो आपको हिदायत दी जाती है या ऐसा डेंटिस्ट कहते हैं कि इसको आप कैपिंग करा लें, दिस इज अ परमानेंट सोल्यूशन। हाँ, 1-2 दिन डिस्कम्फर्ट रहेगा, सेंसिटिविटी रहेगी, बट जब वो कैप लग जाएगी वो सेंसिटिविटी भी खत्म हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि हर कैविटी जिसमें एक फिलिंग की जरूरत है कि आपको कैपिंग की जाए। सर्वाइकल कैविटीज जैसे क्लास 5 कैविटीज हैं, आपने देखा होगा दांतों के नेक के ऊपर, गम्स और टीथ के जंक्शन पे कई बार कैविटीज होती हैं, वहां वो लोड बेयरिंग जगह नहीं होती है तो वहां फिलिंग्स रुक जाती हैं, लोग कंपोजिट फिलिंग करा लेते हैं। हाँ, इन केस कभी निकली भी तो उसको रिपीट किया जा सकता है। तो इसलिए हर जरूरी नहीं है कि हर कैप करने से पहले आपके हर दांत को रूट कैनाल किया जाए। हाँ, थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होगा तो उसको रूट कैनाल कर सकते हैं। और किसी किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, हर पेशेंट का एक अलग एनेमल का थिकनेस होती है, डेंटाइन की थिकनेस होती है। हाँ, अगर पल्प टच कर चुकी है तो फिर बिना रूट कैनाल के कैप ना लगवाएं तो बेटर है, क्योंकि अगर आप रिवर्सिबल पल्पाइटिस में हल्का सा फिलिंग करने के बाद भी हल्का हल्का पेन रहता है तो उसको कैप रूट कैनाल करा लें और उसके बाद ही कैपिंग कराएं। कैपिंग के टाइप्स मैंने आपको बताए थे, पोस्ट इन्फ्यूज मेटल PFM बोलते हैं, जिरकोनिया सबसे बेस्ट है जो आगे के दांतों में लगाई जाती है, ईमैक्स है, मेटल अब चलन में नहीं है। मेरी बहुत सी वीडियोस हैं जिसको आप देखें कि कैपिंग के क्या टाइप्स हैं, और अधिकतर लोग उसके बारे में प्राइस पूछना चाहते हैं। अगर वैसे तो मेरी वीडियोस हैं, बट स्टिल आप 1-to-1 अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है मेरे को व्हाट्सएप करें, मेरे नंबर्स नीचे दिए गए हैं। कॉल्स, हर कॉल को जवाब देना लगभग मुश्किल सा हो जाता है क्योंकि वी हैव ऑल्सो बिजी शेड्यूल्स, ट्रीटमेंट भी करना है, काम भी करना है। हाँ, आपको जवाब जरूर दे दिया जाएगा। अगर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं तो भी प्रेफर करें कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही आप अपना क्वेरी भेजें, जिससे कि मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दे पाऊं। आशा है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट्स रहें प्लीज कमेंट एनी टाइम। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल भाटिया डेंटोपल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और बेल का एक आइकॉन जरूर दबाएं जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
प्लीज टेक केयर ऑफ योर टीथ, टीथ विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू. थैंक यू.